तो आज की वीडियो में सीखेंगे ब्लाउज का डार्ट पॉइंट कैसे लगाया जाता है, ब्लाउज का डार्ट कैसे डाला जाता है, और बैक में गला अगर ब्रॉड बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, कैसे उसको सेव करेंगे, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, और आपको मैं ए टू जेड बताने वाला हूँ कि अगर आप ब्लाउज कटिंग करते हैं तो या प्रिंसेस कट में या डार्ट वाला या कफ के लिए, तो सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में आपको समझा दूंगा और अच्छे तरीके से बता दूंगा। तो ये वीडियो जो है आपके लिए है और बहुत ही सही वीडियो मैंने सही तरीके से बताया है। जो नए लोग हैं जो घर में कटिंग करके बनाते हैं, चाहते हैं कि ब्लाउज़ की कटिंग मेरे को आ जाए और सही तरीका क्या होता है लोगों को पता नहीं चलता है और कटिंग कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो है हमारी कंधी जो है मैंने 2.5 इंच अंदर में रख रखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो गला हमारा है यहाँ पर दोस्तों, ये कंधी दोस्तों 7 इंची गला जो है हमारा फ्रंट का है और ये बैक का गला जो हमारा 10 इंची है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 7 इंची और 10 इंची जो गला है दोस्तों, देखिए मैं आपको बताता हूँ शोल्डर नापने के। यहाँ पे हमने से 5 इंची लिया है ताकि ये जो डीप गला है जब यहाँ पे भगने के बाद आ जाएगा। आर्मोल हमारा यहाँ पे है 8.5, तो मैंने यहाँ पे जो है इस तरह से यहाँ पहले बढ़ा रखा, आर्मोल को निशान भी लगा रखा दोस्तों इस तरह से। जब डार्ट डालेंगे तो इसको भी हमारा जो आर्मोल आएगा 8.5 इंची आर्मोल आ जाएगा, ठीक है। डार्ट पॉइंट हमारा दोस्तों 5.5 5.9 पे है क्योंकि ये पीस छोटा साइज है, 34 साइज का पीस है। तो इस तरफ से दोस्तों हमारा जो डार्ट पॉइंट 9.5 पे आ रहा है, ठीक है। तो आप भी डार्ट पॉइंट का, आर्मोल का और गले का निशान पूरा डिटेल में ले लेना है और कमर की लंबाई उम्बाई सब कुछ लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है डार्ट आपको गहरा डालना है। अगर 2 डार्ट वाला बना रहे हैं प्रिंस कट में तो आपको जो नीचे का डार्ट है दोस्तों 2.5 इंची रखना ही रखना है। अगर आप कफ लगाते हैं तो 3 पौने 3 इंची जो है रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तभी आपका कफ अच्छी तरीके से बैठेगा और आपका जो है कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, अच्छी तरीके से आप जो है कफ को इसमें बैठा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे डार्ट जो है आप जब डार्ट डालेंगे और यहाँ से जो इस तरीके से कंधी टूटेगा तो यहाँ आर्मोल भी आपका जो नापेंगे ना तो अच्छी तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे हल्का सा आपका उतारना पड़ेगा तो थोड़ा सा उतार भी सकते हैं 1/2 इंची। पहले से आर्मोल आपको बड़ा काटना है, मतलब कि ज़्यादा बड़ा नहीं काटना है, थोड़ा छोटा ही काटना है ताकि बाद में अगर आपको उतारना पड़े तो थोड़ा बहुत आप उतार लीजिएगा, ठीक है। अगर पहले बड़ा कर देंगे तो आपका आर्मोल रुकेगा नहीं दोस्तों, कितना भी डार्ट डाल लें कितना भी कुछ भी कर लें आपको बिल्कुल कंधी भी गिरेगा, अब आपको झोल भी आएगा आर्मोल में, कभी भी नहीं रुकेगा, ठीक है। डार्ट पॉइंट आपको प्रॉपर लगाना जैसे मैंने लगाया डार्ट पॉइंट, देखिए। और इसके बाद मैं बैक का आप राउंडिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से बैक का राउंडिंग और गला किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको निशान लगा देता हूँ इस तरफ का। यहाँ पे बैक में दोस्तों मेरा बैक ओपन है। अगर बैक आपको ओपन है तो आप किस तरह करेंगे, देखिए अंदर से 2.5 इंच का मार्जिन लेना है, ऊपर से यहाँ पे 10 इंची का जो है गला है दोस्तों, तो 10 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ 13 इंची लंबाई है तो यहाँ पे निशान लगा देंगे बैक का इस तरह का, ठीक है। ये देखिए पहले आपको डिजाइन बनाना है, जो भी कपड़ा लेना है उसका डिजाइन ढांचा बना लेना है, जैसे कि एक मैप होता है, बनाने के बाद ही आपको कटिंग करना। देखिए मैंने क्या क्या किया, पहले मैंने निशान लगाया, फिर यहाँ पर इस तरह किया, अब यहाँ पर ड्रॉइंग कर रहा हूँ गले का। तो सेम इसी प्रोसेस से आपको ड्रॉइंग करना है गले को, ठीक है। गले का ड्रॉइंग इस तरह से करेंगे, 2 सूत यहाँ पर बाहर लेंगे और इस तरह के यहाँ पर जो है दोस्तों मैं बना लूँगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए 10 इंची का गला हमारा इस तरह से लग चुका है। यहां पे डार्ट पॉइंट जो लगाएंगे यहां पे हमने लगाएंगे 10 इंच पे और 4 इंची इधर से लेंगे और 4 इंची यहाँ पे इधर से लेंगे। तो इस तरह के यहाँ पे जो है डार्ट पॉइंट का भी निशान हमारा बैक का जो डार्ट लगता है वो भी लग गया, ठीक है। तो अगर आप बैक का डार्ट लगाना नहीं आता तो आपको बैक का डार्ट इस तरह लगा सकते हैं, गले का राउंडिंग भी इस तरह कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा, मैंने आपको जो जो बताया दोस्तों, देखिए समझने वाली बात है। पहले तो आपको डार्ट को गहरा रखना है, अगर आपका डार्ट जो है इस तरह है तो आपका डार्ट जो है वो गहरा रख लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने गला बताया है आपको, गला आपको इस तरह करना है कि ताकि आपको ब्रॉड भी गला हो डीप गला हो सेम इसी तरीके से जो हो, ये है मतलब बैक है, ठीक है। तो ये बैक का पल्ला है, अगर आपको गला डीप रखना है तो आपको इसी प्रोसेस से गला को डीप करना है। यहाँ पर हमारा फ्रंट है, ठीक है। तो ये तरीका आपको जान के कैसा लगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को और प्यारा से कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिस